गुड आफ्टरनून एवरीवन। 19 मार्च है आज और संडे है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस आप सभी के लिए और मैं अपने लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर में, अमेजिंग। ये मुझे 2008 की याद दिला रहा है। पर जरूरी नहीं है कि 2008 रिपीट होगा, पर एटलीस्ट जो माहौल बन रहा है ना, एक एक करके जो विकेट गिर रहे हैं और उसके कारण जो एक स्नोबॉल इफेक्ट समझते हैं कि अगर आप आइस का एक गोला बनाए स्नो का और उसको स्नो के पहाड़ में अगर छोड़ दें तो वो गोला धीरे 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 बड़ा होके इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक्चुअली विनाशकारी हो सकता है। तो स्नोबॉल इफेक्ट जो मुझे याद है 2008 के अंदर में बीएसएनएल कोलैप्स हुआ था, उसके बाद आया था। थोड़ा बहुत माहौल जो है उसी तरह का ग्लोबल मार्केट्स में आ गया है। तो जरूरी नहीं है कि कोलैप्स होगा, बट एटलीस्ट केयरफुल होना और प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज पैसा जो है वो हमारा है, पड़ोसी का मैनेज नहीं कर रहा है, खुद ही का पैसा है। तो ये वीडियो के अंदर में देखेंगे कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है और अगर कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर में। ऑल्दो जो आप मुझसे जुड़े हुए, हम हमेशा ये बात जानते हैं कि निफ्टी के कुछ क्रिटिकल लेवल्स होते हैं, उनके नीचे अगर मार्केट है तो हमको ज्यादा एम्बिशियस, ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। हमको वेट करना चाहिए कि कब मार्केट जो है वो अपने क्रिटिकल लेवल के ऊपर जाएगा, तब हम मार्केट के अंदर में थोड़ा एग्रेसिव पार्टिसिपेशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मार्केट के अंदर में कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिए। एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि दो तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं मार्केट में पार्टिसिपेशन के। एक होता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और एक होता है जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं। और मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बना रखा है कि मेरी जो एज है, जैसे अभी मैं तकरीबन 45 44 45 का हूँ, तो ऑलमोस्ट 44% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इज इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है, जिसको मैं एक्चुअली में कंसिडर ही नहीं करता हूँ जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाता हूँ कि वो पैसे तो इन्वेस्ट करना ही है बिकॉज वो मेरे पैसे नहीं है, मेरे बच्चों के पैसे। एंड आई एम लीविंग दी इन्वेस्टमेंट फॉर माई किड्स, नॉट फॉर माई सेल्फ। एंड द अदर एस्पेक्ट विच इज अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग विच इज -100, विच इज अराउंड 55, जो 55% है जो मेरा पोर्टफोलियो, जो मेरा ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर का है, वो मोमेंटम में है। और उस मोमेंटम का ऑलमोस्ट 90% अभी मैं कैश में हूँ। आई एम नॉट एट ऑल इन्वेस्टेड इन मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू मोमेंटम। वाई? बिकॉज मार्केट अभी बहुत ही डाइसी लेवल पे है, मार्केट इज नॉट गिविंग मी कम्फर्ट। श्योर मैं मार्केट में वापस आऊंगा, बट एक बार मोमेंटम मार्केट में वापस आ जाए, इवन इफ थोड़ा महंगा आना पड़े, इट्स ओके, बिकॉज हमको लंबा अवधि के लिए ही मार्केट में मोमेंटम प्ले करना है। हमको छोटी मोटी अवधि के लिए मार्केट में मोमेंटम में काम नहीं करना है। ये मेरी फिलोसॉफी है। दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड अ मेंटल माइंड मैप फॉर माई सेल्फ। आप अपना खुद का प्रोसेस को खुद ही अपना सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही परफेक्ट है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं एक लर्नर हूँ और मैं भी गलत हो सकता हूँ। बट मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 17 18 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मुझे एक प्रोसेस पता लग गया और मैं उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। सो आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल फॉर योरसेल्फ। तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और मैं वीडियो अपना बंद कर रहा हूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और हम मार्केट से क्या इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अगर आप सेंटिमेंट स्कोर की बात करें तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर हिस्टोरिकली जो जो सेंटिमेंट हमने बात की है वो सब पेन डाउन कर दिया। तो हमने नवंबर से ये सेंटिमेंट स्कोर बनाना चालू किया था और तकरीबन 18 था उस समय, मार्केट भी 18,700 के करीब था। और अभी ये सेंटिमेंट स्कोर गिर के, जैसे मैं 15 मार्च को मैंने बताया, तो ये तकरीबन 10 आ गया है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट के अंदर में वीक ही रहा है। चलिए आज अभी देखते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या है। सो लेट्स लेट्स फर्स्ट सी ग्लोबल मार्केट्स में भी क्या चल रहा है। तो दिस इज ग्लोबल मार्केट। सो एक बार डॉलर इंडेक्स देखते हैं, व्हाट इज हैपनिंग विद डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे चल रहा है, 104 के नीचे। देखिए माहौल बहुत चेंज हो गया है बिकॉज ये यूएस के अंदर में अब जो क्राइसिस आ गया, बैंकिंग क्राइसिस, इसके कारण एक चीज हो गया कि एक्सपेक्टेशन सेट हो गया कि भैया फेड जो है, जो यूएस की रेगुलेशन है, जो आरबीआई है यूएस का, वो इंटरेस्ट रेट्स को अब बढ़ाएगी तो नहीं, ये एक्सपेक्टेशन आ गया बिकॉज वहां एक तरीके का लिक्विडिटी ड्रिवन क्राइसिस आ गया है। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं आपको, ये सब जो है ना कांड जिसको मैं कहता हूँ, ये जो यूएस फेड कर रहा है ना 2008 के बाद से कॉन्स्टेंटली कर रहा है। 2008 में जो फॉल आया था दुनिया भर में, तो यूएस फेड के पास एक ही वेपन था कि चलो पैसे प्रिंट करो, जिसको वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कह रहा है, पैसे प्रिंट करते रहो और लोगों के हाथ में अगर पैसे आते रहेंगे तो लोग कंजम्पशन करते रहेंगे, जिसके कारण चीजें बेटर हो जाएंगी। तो यही जो एक 2008 के बाद आदत पड़ी, कोविड होने के बाद भी गवर्नमेंट ने यूएस में
फ्री लोगों को पैसा दिया, तकरीबन 1200-1300 डॉलर पर मंथ पैसे दिए, और लोग वो पैसे से खर्चा किए। वो खर्चा से क्या हुआ, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो फेड के साथ ये प्रॉब्लम ये हो गई कि उनका बैलेंस शीट तो खराब हो गया, क्योंकि इतना पैसा प्रिंट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने बैलेंस शीट को खराब करते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो गया है, और साथ साथ में रशिया यूक्रेन का जो अटैक है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स में एक इकोनॉमिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनका ये कहना है कि एक तरीके का ट्रैप में फंस चुका है फेड, कि उनको पता नहीं लग रहा अब इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाएंगे तो क्राइसिस और बड़ी हो जाएगी, बिकॉज क्राइसिस का जो मेजर रूट था वो ब्याज दर ही थे। जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑब्वियसली एक हाउसिंग लोन और जो बाकी डेट रिलेटेड फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनमें प्रेशर होता है, जिसके कारण जो कोलैप्स है उसकी चांसेस बढ़ जाती है। 2008 में हाउसिंग क्राइसिस इसी तरह का हुआ था और अभी भी वही तरह का क्राइसिस का माहौल बन रहा है। तो यूएस फेड एक बुरे हालत में है, तो इंटरेस्ट रेट्स तो डेफिनेटली वो नहीं बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन डेफिनेटली अभी भी कंसर्न है, तो बेसिकली उनकी हालत खराब है। अब देखिए यूएस यील्ड कर्व नीचे आ गया, यूएस का 2 साल का यील्ड कर्व कितना नीचे आ गया। तो पहले क्या हो रहा था कि यूएस का 2 साल का यील्ड कर्व का ब्याज, अभी भी देखिए ब्याज दर वाज हायर देन द 10 ईयर यील्ड कर्व। ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट तभी होता है जब ऐसा प्रतीत होता है कि रेसेशन आने वाला है, इसीलिए शॉर्टर टर्म का जो ब्याज दर है वो ऊपर है लॉन्गर टर्म के ब्याज दर से। लेकिन अब देखिए रिवर्सल चालू हो गया है, बिकॉज ऐसा ऐसा प्रतीक होने लग गया है कि भाई यूएस के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है, अपने आप को बचाना पड़ेगा और ब्याज दर को रोकना पड़ेगा, विच विच प्रोबली कैन हैव अ ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, कि भाई रशिया का वॉर खत्म करना प्रॉब्ली इनके लिए एक नीड हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये लोग वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को वेपन्स भेज रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, आई थिंक यूएस हैज गॉन इन टू बिग बिग ट्रैप। और देखिए आपको पसंद हो या ना पसंद हो, यूएस अगर ट्रैप में आता है तो दुनिया को प्रॉब्लम होती है, और जब भी दुनिया में प्रॉब्लम होती है तो कौन नाचता है, ये गोल्ड नाचता है। तो ये देखिए गोल्ड, गोल्ड एक ऐसा करेंसी है जो कि शांति से बैठा रहेगा, सालों साल तक आउट परफॉर्म नहीं करेगा, बट सडनली गोल्ड के अंदर में आग लग जाएगी एंड गोल्ड विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। तो ये देखिए गोल्ड कितनी जबरदस्त एक एक्शन में लग गया है, होपफुली गोल्ड यहाँ से आउट परफॉर्म कंटिन्यू करेगा, बिकॉज काफी टाइम तक ये $2,000 के आउट पास के रेंज में पड़ा है। ये देखिए लास्ट टाइम ये अपना हाई बनाया था, ये तकरीबन 2070 के करीब था। तो जब भी दुनिया में प्रॉब्लम आती है लोग गोल्ड की तरफ देखते हैं, और इंडिया टर्म्स में गोल्ड का दाम और ऊपर है, क्यों है, क्योंकि रुपी जो है वो तकरीबन 82.5 है। ये भी देखिए आरबीआई का इंटरवेंशन है इसलिए रुपी यहाँ पड़ा है, और ऊपर का लेवल देखिए रुपी का तकरीबन 83 है, तो 83 के ऊपर अगर रुपी चला गया तो गोल्ड में भी प्राइसेस बढ़ेंगे, और ऑब्वियसली रुपी भी वीक होगा तो उसका इम्पैक्ट मार्केट्स में आएगा। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि मैं रेगुलरली रिकमेंड करता हूँ, आपका 4 से 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी पार्क्ड इन गोल्ड, ऐसा SIP मोड, बिकॉज गोल्ड आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा दो मिलता है, डॉलर टर्म्स में गोल्ड का अप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है और रुपी का वीकनेस का भी फायदा मिलता है। तो आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग क्वाइट वेल, सो यू मे कंटिन्यू विद दैट। नाउ फटाफट इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स अभी भी डाउन टर्न के अंदर में है। निफ्टी डिवाइडेड बाई इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो तकरीबन फ्लैट हो गया है, काफी दिनों से आउट परफॉर्मेंस था बट नाउ इट इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू कंसोलिडेट। तो अगर ग्लोबल मार्केट का ओवरऑल व्यू लिया जाए तो ग्लोबल मार्केट्स डेफिनेटली इज नॉट इन अ ग्रेट शेप, तो मैं इसको रेटिंग 2.5 ही दूंगा। ऑल्दो डॉलर वीक हो रहा है विच इज गुड फॉर द मार्केट्स, बट ये ग्लोबल ग्लोबल तो क्राइसिस आया बैंकिंग का, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज। निफ्टी की प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो पहले निफ्टी का यूडी चार्ट देखते हैं, वीकली और एंड ऑफ द डे। तो वीकली चार्ट में निफ्टी जो है वो अपना 21 पीरियड और 55 पीरियड के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज बैड, और 200 मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 17, ये है 200 मूविंग एवरेज विच इज 17,550 इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर में डेली और वीकली के अंदर में डेफिनेटली एक वीकेस्ट ट्रेंड है। ऑल्दो यहाँ पर आप देखिए छोटा सा इस तरह का हैबर, इस तरह का पैटर्न बना के मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि हमको रिकवर करना है, बट आई थिंक मार्केट इज स्टिल सेल ऑन राइज। एक बार चारों इंडाइसेस को डीपली स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या हालत है। तो ये है निफ्टी, निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड, हल्का सा बाइंग ट्रेंड में आया है, और ये दोनों भी डाउन ट्रेंड में है। ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी है बट आई डोंट थिंक सो दिस इज अ कन्विंसिंग रिकवरी। सो दिस लेवल 17,265, ये जो लेवल है ना 17,265, ये वाला लेवल मान ले तकरीबन 17,200, 17,200 निफ्टी विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो 17,200 के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट हड़बड़ी में जाएगा,
और उसके ऊपर का भी एक लेवल है जो कि 200 मूविंग एवरेज, विच इज 17,550 के तकरीबन। तो प्राइस एक्शन वाइज आई थिंक मार्केट इज स्टिल वीकेस्ट टेरिटरी, ऑल्दो ओवरसोल्ड में आ गया है, बट अभी भी वीकेस्ट में मानूंगा मैं इसको, तो 2 का मैं रेटिंग इसको दूंगा। उसके बाद आते हैं मार्केट ब्रेथ। आई थिंक मार्केट ब्रेथ एक ऐसा है जो हमको थोड़ा ओवरसोल्ड मार्केट का इंडिकेशन देता है। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट काफी ओवरसोल्ड हो गया था 17,000 के लेवल पे। अब मार्केट 17,100 में थोड़ा टाइम बेस्ड करेक्शन हुआ है, समय बिता रहा है मार्केट यहाँ पे, इसलिए जो ब्रेथ है वो बेटर हुई है। बट आई वुड स्टिल से दैट फ्रॉम अ ब्रेथ पर्सपेक्टिव ओवरसोल्ड मार्केट है, तो चांसेस है कि जो ओवरसोल्ड ब्रेथ है यही मार्केट को रिकवर करवा दे। डेरिवेटिव एनालिटिक्स पे चलते हैं तो आई थिंक सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड देयर। लुक एट द ओआई ऑफ एफआईआईज एंड अदर बिग प्लेयर्स, लुक एट देम, काफी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन। इनफैक्ट मैंने अपने पिछले 6 महीने के अंदर में ये डेटा भी हाईएस्ट देखा है मार्केट के अंदर में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड न्यूज कि शॉर्ट पोजिशन है। और कैश के अंदर में तो एनीवेज ये एफआईज छोटे छोटे मीठे मीठे सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओवरऑल डेरिवेटिव्स पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेट मी जस्ट ऑल्सो लुक एट द निफ्टी चार्ट। निफ्टी के अंदर में एक बार ओआई देख लेते हैं, ऑप्शंस का ओआई देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू निफ्टी, सॉरी अबाउट इट, निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी के अंदर में एक बार लेट्स सी ओआई ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.88 हो गया है। इसका मतलब पुट के अंदर में सेलिंग भरी है, विच इज एन इंडिकेशन कि शायद मार्केट यहाँ पर एक बार होल्ड करने का इंटरेस्ट है। 17,000 के पुट में ओवरऑल काफी अच्छा पोजिशन बिल्डअप हुआ है। इसका मतलब ये जो है एक अच्छा सपोर्ट बन गया है, और ऊपर में जो है 17,100 की कॉल में अच्छा बिल्डअप हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में 17,000 का रेंज आप मान लीजिए नीचे का बॉटम है, और ऊपर में ये छोटे छोटे लेवल्स है, बट बड़ा लेवल 17,500 है। तो ब्रॉडर रेंज ऑफ द मार्केट इज 17,000 नीचे के लेवल पे और ऊपर में 17,550, 17,200। दिस इज वेयर, सो डेरिवेटिव एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यस मार्केट इज ओवरसोल्ड, बट नेगेटिव पोजीशन है मार्केट में अभी भी। तो आई वुड गिव इट 3 रेटिंग। सो 11, सो 15 मार्च को ये 10 था, अभी ये 11 हुआ, तो थोड़ा मार्केट में इम्प्रूवमेंट का एक इंडिकेशन है। बट आई हैव अ फीलिंग कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मार्केट में एक व्यू चेंज करना चाहिए, बिकॉज ऊपर के लेवल पे बहुत सारे ऑब्स्टकल्स ऑब्स्टकल्स है मार्केट के अंदर में, जो कि हो सकता है मार्केट को घनघोर तेजी, जो हम चाहते हैं हमेशा घनघोर तेजी देने के लिए, थोड़ा सा संपूर्ण ना करे। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में देखिए दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक होता है जिनमें एक्शंस होती है, एक होते हैं जिनमें एक्शंस नहीं होती है। और आप प्रॉब्ली उन्हीं स्टॉक्स में जाना चाहेंगे जिनमें एक्शंस की पॉसिबिलिटीज है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं अगर मार्केट नीचे है, मार्केट का ट्रेंड नीचे है, तो डू नॉट बी इन अ हरी टू इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ स्टॉक्स। आइडेंटिफाई करिए उन्हीं स्टॉक्स को जिनमें पोटेंशियली मोमेंटम आ सकता है, और वही स्टॉक्स के अंदर में जब मार्केट में मोमेंटम आए तो पार्टिसिपेट कीजिए। और मेरी राय ये है स्टॉकेज का जो चार्ट पैटर्न है इसको यूज करिए। ये बहुत जबरदस्त हमने टूल बना रखा है जिसमें ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो कि एकदम पीसफुल बेसिस पे आपको स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। मैंने एक वॉचलिस्ट बना रखा है, आप देखिए यहाँ पर वॉचलिस्ट में चार्ट पैटर्न में स्टॉक्स लाइक एपीएल अपोलो, फिन केबल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आप देखिए मार्केट वीक है बट ये स्टॉक्स के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ है, और अगर मार्केट रिकवर करेगा तो काफी हाई चांस है कि इन स्टॉक्स के अंदर में बहुत अच्छी और एग्रेसिव रिकवरी आएंगी। तो मेक अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, आप स्टॉकेज के चार्ट पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं, और आप जो जो हमारा कॉम्बिनेशन स्कैन्स में कुछ ऐसे स्कैन्स हैं जो बहुत जबरदस्त है, जैसे फीपा स्कैन्स को मैं देखता हूँ, फीपा का स्टॉक्स को देख के आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मुझे अपने रडार में रखना है, और जब भी मार्केट रिकवर करे उन स्टॉक्स के अंदर में मैं एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करूं। अगर आपको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर जाएंगे एंड यू स्टिल वांट टू बिल्ड सम पोजीशन इन द मार्केट, आई वुड सजेस्ट आप छोटे छोटे क्वांटिटी से पार्टिसिपेशन चालू कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई एक्चुअली रिकमेंड टू पीपल। मुझे बहुत पीसफुल मार्केट पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर मैं मोमेंटम वाला काम कर रहा हूँ तो मैं तभी करूंगा जब मार्केट में मोमेंटम वापस आ गया। आई विल नॉट ट्राई टू बॉटम फिश। लेकिन मेरा वैल्यू इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो जो है, जो कि एसआईपी मोड पे मैंने मदर स्टॉक्स और कुछ स्टॉक्स पे वो डाल रखे हैं, वो मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ, उसमें मुझे मार्केट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं उनको बेच नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है।
कि मैं उसको बेच पाऊं वो मेरे बच्चों के लिए, एंड दैट आई एम कंटिन्यूइंग। और मेरे मदर स्टॉक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट यूट्यूब करिए विवेक बजाज मदर स्टॉक्स, आपको मिल जाएंगे वो 10 स्टॉक्स जिनमें मैं कॉन्स्टेंट SIP कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि आने वाला 15-20 साल तक ये स्टॉक्स तो रहेंगे और मेरे बच्चों को डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दे देंगे। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आई होप यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। मैं गोवा में रहूंगा, वी विल बी डूइंग फेस टू फेस गोवा, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तकरीबन 250 मेंबर्स आ रहे हैं एंड आई होप दैट आई विल बी एडिंग, माई टीम विल बी एडिंग वैल्यू टू देम, और आपको अपडेट देता रहूंगा। इन द मीन वाइल नेक्स्ट वीक क्रिटिकल है मार्केट के लिए, हमेशा की तरह इस बार भी क्रिटिकल है, तो ध्यान रखिए अपना और डोंट बी एडवेंचरस इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, बिकॉज ये जो US का प्रॉब्लम है ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इसका स्नोबॉल इम्पैक्ट आ सकता है, तो बी केयरफुल, यू डोंट वॉन्ट टू बी इन द लाइन ऑफ फायर। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।